इंटरनेशनल फ्लाइट में बुजुर्ग महिला यात्री पर पेशाब करने वाले आरोपी शंकर मिश्रा को दिल्ली पुलिस ने बेंगलुरु से गिरफ्तार कर लिया है और कुछ ही देर में दिल्ली पुलिस शंकर को कोर्ट में पेश करने वाली है। वहीं दूसरी ओर एयर इंडिया के स्टाफ से दिल्ली पुलिस की पूछताछ चल रही है। पिछले साल 26 नवंबर को न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रही एयर इंडिया के विमान में हुई अशोभनीय घटना को लेकर अब तक दोनों तरफ से वर्जन सामने आ चुके हैं और शंकर मिश्रा के पिता ने सभी आरोपों को गलत बताया है, जैसा कि एक पिता करते हैं। तो वहीं इस मामले में पहली बार एक चश्मदीद भी सामने आए हैं, उन्होंने भी बताया कि फ्लाइट के अंदर क्या कुछ हुआ। लेकिन आपको बता दें 26 नवंबर को फ्लाइट में महिला से बदसलूकी का यह पूरा मामला और ये आरोपी जो शंकर मिश्रा है उसी की तस्वीर है, दिल्ली पुलिस की कस्टडी में। दिल्ली पुलिस इससे पूछताछ कर रही है और आज ही आपको बता दें कोर्ट में पेशी भी संभव है। थोड़ी देर में कोर्ट में शंकर मिश्रा की पेशी होने वाली है और वहीं एयर इंडिया के स्टाफ से भी पूछताछ कर रही है इस वक्त दिल्ली पुलिस। चार तस्वीरों को आपके सामने रख रहे हैं, समझिए पूरे घटनाक्रम को जोड़कर बताते हैं। विमान में बदसलूकी का यह मामला जब सामने आया और दूसरी तरफ शंकर मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया, हालांकि लुका छिपी का यह खेल खेल रहा था, अपने लोकेशंस को बदल रहा था। दिल्ली पुलिस की टीम लगातार हर जगह दबिश डाल रही थी, इसकी तलाश में थी, लेकिन आखिरकार ये गिरफ्त में है। इसको बेंगलुरु से दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है और दिल्ली पुलिस की हवाले ही है ये, और थोड़ी देर में इसकी कोर्ट में पेशी होने वाली है। तीन जो पायलट है उनसे भी पूछताछ हो रही है, एयर इंडिया पायलट। अरविंद ओझा का रुख करते हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अरविंद, क्या जानकारी मिल पा रही है इस वक्त, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, दर्शकों को बताएं। ये देखिए, जो शंकर मिश्रा है उसको दिल्ली लाया जा चुका है और अब उसको एक पुलिस लाइन है एयरपोर्ट के पास, वहां रखा गया था। अब वहां से उसे दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट लाया गया है, जहां पर जो सीनियर अधिकारी हैं वो अब उससे पूछताछ करेंगे। देखिए, 3 जनवरी को बेंगलोर में शंकर मिश्रा ने अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया था, उसके बाद वो लगातार गिरफ्तारी से बच रहा था। मुंबई और बेंगलोर दोनों जगहों पर दिल्ली पुलिस की टीम थी, मुंबई में परिवार वो सपोर्ट नहीं कर रहा था, ऐसा दिल्ली पुलिस का कहना था, जिसके बाद बेंगलोर में दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची और कल देर रात ऑपरेशन चला। पहले मैसूर में लोकेशन ट्रैक की गई, टैक्सी ही इस्तेमाल कर रहा था शंकर मिश्रा, उसके बाद वो टैक्सी से उतर गया, जब तक दिल्ली वहां पर पहुंचती वहां से गायब हो गया। उसके बाद बेंगलोर के दफ्तर में आने जाने के तमाम जो उसकी ट्रेवल हिस्ट्री थी उसको सर्च किया दिल्ली पुलिस ने, उसके बाद एक होम स्टे में शंकर मिश्रा ठहरा था, वहां से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल पूछताछ चल रही है, साथ ही साथ उस दिन एयर इंडिया की फ्लाइट में आखिर क्या हुआ था ये जानने के लिए जो क्रू मेंबर है उनको आईजीआई एयरपोर्ट बुलाया गया है, उनके भी बयान दर्ज हो रहे हैं ताकि ये जो केस है क्लियर हो सके और केस मजबूत हो सके। जी ठीक है अरविंद, आप हमारे साथ बने रहें। इस बीच श्रेया चटर्जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। श्रेया, अब आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है इस वक्त, वो भी अपडेट बताएं। देखिए, जैसे कि अरविंद ओझा भी बता रहे थे कि अभी उनको यहाँ पे आईजीआई मेहरम नगर में जो पुलिस लाइन है वहां पे पूरी रात रखा गया था, जब बेंगलोर में उनको अरेस्ट करने के बाद दिल्ली पुलिस लाई। इसके बाद अभी उनको आईजीआई पुलिस स्टेशन जहाँ पे है वहां पे ले जाया जा रहा है, वहां पे उनकी पूछताछ के बाद उनकी पेशी कोर्ट में होगी। और जितना हमें पता चला अब तक, बार बार उन्होंने अपना लोकेशन बदला है, मैसूरु से बेंगलुरु भी उन्होंने ट्रांजिट किया है और उनका फोन जो था वो स्विच ऑफ था, वो सिर्फ वर्चुअल माध्यम से बातचीत कर रहे थे, व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से वो बातचीत कर रहे थे। और जो उनकी टैक्सी सर्विस जो वो लगातार यूज करते थे अपने बेंगलोर में ऑफिस जाने के लिए, उसी टैक्सी सर्विस से बातचीत करने के बाद पुलिस को पहली लीड मिली कि वो एक बेंगलुरु के होमस्टे में रुके हुए हैं और उसके बाद करीबन 11 बजे के आसपास दिल्ली पुलिस ने उनको कल रात गिरफ्तार किया। श्रेया, भी जानना चाहेंगे और किस किस से पूछताछ हो रही है, जानकारी मिल रही है कि एयर इंडिया के जो स्टाफ हैं उनसे भी पूछताछ इस वक्त दिल्ली पुलिस की टीम कर रही है। देखिए बिल्कुल, एयर इंडिया की जो स्टाफ है उनसे भी पूछताछ कर रहे हैं, हालांकि क्योंकि ये है कि जो केस हुआ है उसमें ये भी सवाल उठे गए हैं कि जो स्टाफ थे मौजूद एयरपोर्ट मतलब इसके अंदर फ्लाइट के अंदर, तो उन्होंने सही तरीके से सही जजमेंट नहीं दिखाई लिकर सर्व करने में, तो ये एक क्वेश्चन उठ रहा है कि क्या जो स्टाफ है उन्होंने वो चेक्स एंड बैलेंस जो फॉलो करना चाहिए जब ऑन एयर है कि कितना लिकर आप कंज्यूम करवा सकते हो, लापरवाही का मामले की वजह से उनसे पूछताछ अभी की जा रही है। ठीक है, अरविंद ओझा भी हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अरविंद, आपसे जानना चाहेंगे जो एफआईआर दर्ज हुआ है कौन कौन से सेक्शंस इसमें लगाए गए हैं एफआईआर में? देखिए आशुतोष, मैं आपको बताऊं कि इस मामले में जो 70 साल की बुजुर्ग महिला थी
उसने शिकायत दी थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने 354 मोलेस्टेशन का, उसके अलावा 509, 510, 294 आईपीसी में एफआईआर दर्ज की थी। और उसके बाद शंकर मिश्रा को बकायदा संपर्क करने की कोशिश की पुलिस ने, लेकिन जैसे ही एक बार संपर्क हुआ 3 जनवरी को बेंगलोर में फोन स्विच ऑफ हो गया। उसके बाद परिवार वालों से संपर्क साधा गया, उन्होंने भी कोऑपरेट नहीं किया, जिसके बाद यह मैनहंट चलाया गया मुंबई और बेंगलोर में, और फाइनली बेंगलोर में इसको अरेस्ट किया गया। जो धाराएं हैं वो अवेलेबल नहीं है, जल्दी जमानत उनमें नहीं होती, और साथ ही साथ जो करतूत है वो बेहद शर्मनाक है। और ये सबक भी है ऐसे लोगों के लिए अरविंद, जो पैसे दौलत की गुमान में रहते हैं, अच्छी अच्छी पोजीशन पर रहते हैं, लेकिन किस तरह से एक छोटी सी उनकी नजर में ये गलती होगी, लेकिन कितनी बड़ी बात होती है, क्योंकि पूरा परिवार फिर भुगतता है, और यही हमें देखने को मिल रहा है, और एक मैसेज भी सामने निकल रहा है। जी बिल्कुल आशुतोष, आपने बिल्कुल सही कहा। और देखिए, वॉइस प्रेसिडेंट है एक नामी कंपनी में, और इसी हरकत की वजह से बर्खास्त भी कर दिया है कंपनी में। और वॉइस प्रेसिडेंट का आप मतलब समझ सकते होंगे, एक अच्छा और बड़ा ओहदा किसी कंपनी में। और अभी तक जो जानकारी आई है उसके मुताबिक शंकर मिश्रा एल्कोहल से इन्फ्लुएंस थे, और उसी दौरान उन्होंने ये हरकत की है। अब न सिर्फ शंकर मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है, बल्कि जो क्रू मेंबर थे, 4 क्रू मेंबर के पहले ही बयान दर्ज हो चुके हैं। आज जो पायलट को पायलट है वो पहुंचे हुए हैं, उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड, मतलब दो लोगों से पूछताछ हो रही है, एयर इंडिया के स्टाफ दो लोगों की मौजूदगी है। जी बिल्कुल आशुतोष, 3 लोग से फिलहाल पूछताछ हो रही है, जो पायलट और को पायलट है, 4 क्रू मेंबर से पहले पूछताछ हो चुकी है। साथ ही साथ जो को पैसेंजर थे उनको आइडेंटिफाई कर लिया है, पहचान कर लिया है दिल्ली पुलिस ने, उनको रिक्वेस्ट की जा रही है कि वो भी आकर अपना बयान दर्ज। इनफैक्ट अरविंद, स्वागत भट्टाचार्य जो को पैसेंजर थे, वो उन्होंने आप बीती भी बताया।